Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is C-scan algorithm in disk scheduling. Let's understand this with the question. जहाँ पे मेरे पास 200 tracks दिए हैं 0 to 199 और request queue है. Request queue में क्या actual में different track numbers दिए हुए हैं. तो इन tracks में मेरे को क्या पड़ा? Data पड़ा हुआ है. उस data को मुझे pick करना है. तो उस data को pick करने के लिए मेरे को उन tracks पे पहले movement करनी पड़ेगी. तो उन tracks पे movement कौन करता है? Read write head. Read write head actual में जो प्लेटर होता है, प्लेटर को इस तरीके से पकड़ के रखता है और इस तरीके से जो है वो मूव करता है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता है. तो इन ट्रैक्स को मुझे यहां से रीड करना है, लेकिन एल्गोरिथम कौन सा यूज करना है? सी स्कैन. सी स्कैन मतलब सर्कुलर स्कैन. तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन से. करंट पोजिशन है 50 और डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन के बिना आपको पता नहीं लगेगा कि टुवर्ड्स 199 मूव करना है टुवर्ड्स 0. तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करना है. तो 50 से व्हाट इज द लार्ज वैल्यू देन 50? 82. मतलब सबसे पहले 82 को कवर किया, 82 के बाद हम गए 140 को कवर किया, 140 के बाद 170 को कवर किया, 170 के बाद 190 को कवर किया. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और यहां पे डायरेक्शन लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हैं और सारी वैल्यूज को हम कवर करते हैं बिल्कुल लास्ट तक, दैट इज 190. लेकिन सी स्कैन हम नॉर्मल जो स्कैन करते थे, स्कैन में भी क्या होता था कि हम 199 तक जाते थे, इसमें भी हमें बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जाना है. मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन के बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जाना है आपको. तो 199 तक गए, 199 के बाद यहां पर पहुंच के आपको कम बैक और सीधा वैल्यू जीरो तक पहुंचना है. मतलब जिस डायरेक्शन में मूव किए बिल्कुल लास्ट 199 तक जाओ, उसके ड्यूरेशन में जो भी वैल्यूज आई है उन सारे ट्रैक नंबर्स को कवर कर लो. अब 199 से दोबारा जीरो पे आना है. जब 199 से जीरो पे आ रहे हैं उस टाइम पे कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करना, बस सिंपल आपको जीरो तक कवर करना है. जीरो पे आने के बाद अब आपको पता है कि मेरी अभी भी रिक्वेस्ट जो है वो पड़ी हुई है. कौन सी है? 16, 24, 43. तो जीरो से अब हम मूव करेंगे. पहले कौन सी आई? 16. तो सबसे पहले 16 को कवर किया, 16 के बाद 24 को कवर किया एंड 24 के बाद जो लास्ट है दैट इज 43 को कवर किया. तो इस तरीके से हम जो है सी स्कैन में मूव करते हैं. अब कैलकुलेट करेंगे रीड राइट हेड, तो कैसे कैलकुलेट करना है? 50 से हम 199 पे गए तो मूवमेंट्स कितनी हुई? 199 माइनस 50. 199 से हम 0 पे गए तो मूवमेंट कितनी हुई? 199 माइनस 0. और 43 से हम 0 पे गए थे, मतलब 0 से 43 गए, बट मूवमेंट जो है वो 43 माइनस 0 निकालना, अदरवाइज वैल्यू माइनस में आ जाएगी. तो इसीलिए लार्ज वैल्यू को पहले रखा. अब इस चीज को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो है वो आपका 391 जो है वो आएगा, 391. अब इसमें भी जो सी स्कैन में भी जो है और सी लुक में भी जो है वो काफी कंफ्यूजन होती है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 199 से जब हम यहां पे आए हैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है या नहीं. तो सी लुक में तो श्योर है कि करना ही करना है, बिकॉज गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग, वहां पे उन्होंने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो. सी स्कैन में भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. द रीजन बीइंग इज जो ये ट्रैक नंबर्स हैं, एक्चुअल में हमने प्लेटर का जो व्यू देखा था, प्लेटर कैसे होता है? इस तरीके से व्यू होता है प्लेटर का. मतलब जैसे आपकी सीडी होती है, सीडी की तरह व्यू होता है प्लेटर का. मतलब सीडी में भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारी सर्कुलर लाइंस दिखेंगी, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? ट्रैक्स होते हैं. अब सबसे अंदर जो है वो ट्रैक नंबर जीरो है और लेट्स से कि सबसे आउटर में जो है वो ट्रैक नंबर 199 है. जब हम 50 से मूव किए थे टुवर्ड्स 199, मैं 199 पे आ गया. अब रीड राइट हेड जो है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करता है. मतलब अगर ये ट्रैक नंबर जीरो है, ये ट्रैक नंबर 199 है, तो मैं 199 पे आ गया. अब 199 से मैं जीरो पे जा रहा हूं, मतलब 199 से मैं जीरो पे जा रहा हूं, तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, मतलब ये जीरो पे जाएगा. तो यार जब ये जीरो पे जाएगा, मतलब 199 से जब हम वापिस जीरो पे गए, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट क्यों ना करें? ऑब्वियसली मेरे को ये भी तो एक मूवमेंट ही है ना, ये वैल्यू भी तो एक मूवमेंट ही है. रीड राइट हेड यहां पे मेरा मूव कर रहा है 199 टू
जीरो. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन द टोटल कैलकुलेशन. तो इसीलिए जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको स्किप नहीं करना, इसको भी कैलकुलेट करना, सी लुक में भी एंड सी स्कैन में भी. लेकिन आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मटेरियल मिलेगा जहां पे इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन इस वैल्यू को कैलकुलेट यहां पे करना है. थैंक यू.